ऐप के शुभारंभ कार्यक्रम में भाजपा नेताओं पर मंच छोड़ने का लगाया जा रहा आरोप। आपको बता दें कि बुधवार को कृषि उपज मंडी श्योपुर में किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से पीएम फार्म गेट ऐप के शुभारंभ को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान के मंच पर माइक पकड़ते ही भाजपा नेताओं ने मंच छोड़ दिया। देखिए क्या है पूरा मामला, इसको लेकर क्या कहते हैं भाजपा नेता कैलाश नारायण गुप्ता और किसान अनिल सिंह। देखिए फास्ट समाचार पर ये खास खबर। कृषि उपज मंडी में कल किसानों को एक सुविधा ऐसा प्रचारित बताया गया कि भाई जो है वो एक ऐप का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा जिला श्योपुर के संयोजक के तौर पर मुझे आमंत्रित किया था पत्र के माध्यम से कृषि उपज मंडी के सचिव जी ने। तो मैं भी पहुंचा था उस कार्यक्रम में, 10:30 बजे का प्रोग्राम था, 10:40-10:45 के करीब मैं पहुंचा था। कार्यक्रम विलंब से चालू हुआ क्योंकि जो उनके जो भी लोग आमंत्रित और भी थे अतिथि जो उनके लिए मेन मुख्य होंगे मंडी के लिए, वो लगभग 11:15 बजे तक पहुँचे। तो कार्यक्रम शुरुआत हुई। अब कार्यक्रम के दौरान में एक व्यापारी ने बोला कि ये अनिल जी जो है किसान मोर्चा किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो आप इनको मंच पे बुलाइए। तो उनके कहने पे जो मंच संचालन कर रहे थे उन्होंने मुझे मंच से बोला कि आप मंच पे आइए। मंच पे जो कुर्सियां लगी हुई थी वो इतनी टाइट स्थिति में थी कि SDM महोदय भी वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल बमुश्किल से वो बीच में बैठ पाए। तो मुझे लगा कि मैं किसानों के बीच में सामने मंच के बैठा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो किसानों के काम करते हैं, किसानों ही हैं, किसानों के बीच में कोई समस्या नहीं है, मंच की कोई मेरे को ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं यहीं पे ठीक हूँ किसानों के बीच में, 2 मिनट मेरे को आप अपनी सुविधा से मंच बोलने के लिए माइक पर बुलवा लेना। कार्यक्रम चलता रहा, कैलाश गुप्ता जी तीसरे या चौथे वक्ता के तौर पर आए, वो बोलने लगे तो उनकी बातों से कुछ किसान जो है चूँकि बोली रुकी हुई थी तो बोली रुकी होने के कारण से किसान और व्यापारियों को उनकी बातों में कोई रुचि नहीं लग रही थी, तो वो कहने लगे कि भाई वो थोड़ा शोर शराबा करने लगे। तो उस पे से कैलाश गुप्ता जी ने अपनी बात को शॉर्ट में समेट के और जो है उसको ख़त्म किया। उसके बाद दुर्गालाल जी को बोलने के लिए बुलाया, दुर्गालाल जी के बोलने के बाद फिर वो जो है आभार व्यक्त करने के लिए मंडी सचिव ने कार्यक्रम का एक तरह से समापन सा करने की तरफ अग्रसर हो गए। तो जब मुझे लगा कि भाई कोई भी किसान प्रतिनिधि वहाँ नहीं बोला किसी भी विषय के ऊपर, एक तरफा तौर पे जो कार्यक्रम था उसमें अपनी बातें कही गई, तो मूलतः वो एक ऐप के लिए उद्घाटन था, तो ऐप से संबंधित भी जो जानकारियां थी MP फार्म गेट ऐप जो था उसके बारे में भी जो जानकारियां थी उसमें जो मंडी के कर्मचारी थे उनकी सूचना और कैलाश गुप्ता जी ने जो अपने भाषण में सूचना दी, उन दोनों में एक विरोधाभास सा था। तो कोई प्रॉपर जानकारी उस जो विशेष तौर पर कार्यक्रम था उसके बारे में भी किसानों को नहीं मिली। लगाए जा रहे हैं कि कृषि मंडी में ऐप के शुभारंभ को लेकर जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में किसान नेता ने मंच पर जब माइक पकड़ा तो भाजपाइयों ने मंच छोड़ दिया, क्या कारण है, क्या बात है, इसको लेकर बताएं, क्या स्पष्टीकरण है इसका? देखिए साहब, फार्म गेट ऐप के विषय में किसानों को जानकारी देने के लिए कृषि मंडी समिति ने राज्य कृषि मंडी बोर्ड के निर्देश पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया, उनने हमको आमंत्रण दिया, हम वहाँ गए और हमने उस विषय पर जो बात किसानों के समक्ष रखना चाहिए वो और केंद्र की सरकार मोदी जी की, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर की और शिवराज जी के द्वारा जो किसानों के हित में जो जो काम किए जा रहे हैं उन्हीं को केंद्रित करते हुए अपनी बात किसानों के सामने रखी कि इस नए ऐप में कुछ परेशानियां भी व्यवहार में आएंगी तो उनको भी आगे जा करके उनको दूर करना रहेगा। किसानों की बात को किसानों को कार्यशाला के रूप में फार्मगेट ऐप की जानकारी देने के लिए ये कार्यशाला थी। अब यदि उसमें कार्यक्रम जब चल रहा था तो किसी ने जो किसान की बात जिनकी किसान नेता के नाम में बात की गई है उनका किसी ने नाम बोला तो जो कार्यक्रम का संचालन मंडी के वो कर रहे थे, हमें पता नहीं उन्होंने उनको बुलाया था क्या किया था ये तो वो जाने, पर उनका नाम बोला तो वो बोलने नहीं आए, उन्होंने कहा मैं बाद में बोल दूंगा। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया सचिव ने आभार प्रदर्शन कर दिया, पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय का भाषण हुआ संक्षेप में क्योंकि किसानों को बोली लगाने की जल्दी थी,
और उसके बाद मंडी सचिव ने आभार प्रदर्शन करके कार्यक्रम समाप्ति हो गया। तब उन्होंने जाके स्वयमेव अपने हाथ से माइक पकड़ के बोलना शुरू कर दिया। फार्म गेट ऐप पर कार्यशाला थी, उस विषय में कोई उनके प्रश्न थे, शंका थी किसानों की ओर से, वो बात उनको वहाँ उस कार्यशाला में रखना चाहिए थी, या और भी यदि किसानों के मुद्दे पर उनको कोई बात सरकार से या उनसे ऐतराज हो तो वो बात उस तरीके से रखना चाहिए। वो तो व्यक्तिगत तौर पर जैसे कोई जोश में जा कर के भाषण देता है उस टाइप में, ये कैलाश जी के वो पलाने का ये है, ये बोल रहे, अरे भाई हमारा जो काम है वो मैं बखूबी जानता हूँ। जो भी लोग जिन्होंने मेरा आज तक कहीं किसी भी कार्यक्रम में, शासकीय अशासकीय पब्लिक के कार्यक्रम में जिन्होंने मेरे बात को सुना होगा, मेरी कभी भी किसी भी विषय से लेफ्ट राइट जाने की आदत नहीं है, मैं विषय पर ही अपनी बात रखता हूँ, समय के भी पाबंदी रखता हूँ, मर्यादा।